हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूं। आज हम बनाने वाले हैं पनीर बिरयानी की रेसिपी। तो आज ये मैं रेसिपी को कैसे बनाऊंगा, ये जानने के लिए आप प्लीज़ वीडियो का शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। तो फिर चलिए जल्दी से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है बिरयानी चावल। हमने चावल को आधा घंटे पहले पानी में भिगो के छोड़ दिया था। चलिए अब हम बिरयानी को बनाने के लिए पानी गर्म कर लेते हैं। ये हमने पानी में डाल दिया 2 दालचीनी, 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा लौंग, और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रिफाइन का तेल। इसको डालने के बाद अभी हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए अब ये गर्म हो गया है। अभी हम इसको एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं और अभी हम इसमें डालेंगे चावल। चावल से हमने पानी को छान लिया है और अभी हम थोड़ा थोड़ा करके सारा चावल को इसमें डाल देंगे। ये हमने सारा चावल को इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसको एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक को भी डालने के बाद एक बार इसको मिला लेंगे। और अभी हम इसको ढक के होने के लिए छोड़ देंगे और करेंगे हम दूसरे काम। ये देखिए दोस्तों, ये है पनीर। हमने यहाँ पे आधा किलो पनीर लिया है। अब हम पनीर को छोटा छोटा करके काट लेंगे। हमें इसको ज़्यादा बड़ा करके नहीं काटना है या ज़्यादा छोटा करके भी नहीं काटना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इसको कौन सा साइज में काटा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पनीर को ऐसे साइज में काटा है। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट साइज है। अब इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं हमारा चावल भी हो गया होगा। इसका ढक्कन को खोल के चेक करते हैं, देखते हैं हमारा चावल हुआ है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये अब अच्छी तरह से हो गया है। चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। ये देखिए अब ये हो गया है। सारा चावल को हम थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे और अभी हम दूसरा कढ़ाई में हमारा पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। ये हमने सरसों तेल लिया था और सरसों तेल में पनीर को हल्का हल्का गोल्डन कलर में फ्राई कर लीजिए। हमें पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एकदम हल्का हल्का ही फ्राई करना है। ये देखिए हमारा पनीर भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक दूसरे प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे। आप चाहे तो पनीर को बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने सारा पनीर को निकाल लिया है। ये देखिए हमने यहाँ पर 4 प्याज को स्लाइस स्लाइस लंबा लंबा करके काट लिया है। और अभी हम जिस तेल में पनीर को फ्राई किए थे वही बचा हुआ तेल में प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। ये जो प्याज है इसको हमें पूरा लाल करके फ्राई करना है। ये देखिए हमने इसको फ्राई कर लिया है। आप इसको जब भी फ्राई करें गैस को लो फ्लेम में रख के लंबा टाइम तक फ्राई करें, तभी ये नहीं जलेगा, नहीं तो जल जाता है। अभी हम सारा प्याज को निकाल लेंगे। ये देखिए ये प्याज थोड़ा बारीक बारीक करके हमने इसको काटा है। धनिया पत्ता और टमाटर भी है। अभी हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। आप जब भी प्याज को फ्राई करें गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रख के फ्राई करें। इसको हमें बहुत ही हल्का हल्का फ्राई करना है, हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक पहले जैसे फ्राई नहीं करना है। यह फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको भी इसमें मिला के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी हम बिरयानी में डालने के लिए थोड़ा मसाला बना लेते हैं। ये हमने धनिया पाउडर डाला, ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और इन सबको डालने के बाद चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको मिला के रेडी कर लिया है। अब चलिए हम देखते हैं हमारा प्याज को। ये देखिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। हमने पहले ही 2 टमाटर को काट कर रख लिया था, इसी को इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक को भी हमें स्वाद के अकॉर्डिंग डालना है। ये हमने डाल दिया नमक और इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। जो अभी हमने बनाया था वही मसाला हम इसमें डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको इसमें डाल दिया और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर। हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से थोड़ा तेल निकलना चालू हो ना जाए। ये देखिए
इसमें से तेल भी निकलना थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दही, और बिना दही का बिरयानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये हमने डाल दिया थोड़ा सा दही, और दही को डालने के बाद इसको हम मिला लेंगे। जब ये अच्छी तरह से हल्का फ्राई हो जाएगा, अभी हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, जिसको हमने पहले ही फ्राई करके रखा था, उसको हम इसमें डाल देंगे। ये हमने इसको डाल दिया, और डालने के बाद इसको धीरे धीरे करके इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप अगर कहीं बाहर बिरयानी खाने जाएँ तो 300-400 रुपया प्लेट ले जाता है। आप घर में बिरयानी बना के खाएं, आपको बहुत ही सस्ता में टेस्टी टेस्टी बिरयानी खाने को मिलेगा। अभी हम इसमें ऐड कर दिए पानी, और पानी को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये हमारा पनीर बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हम एक बड़ा सा पतीला में लेंगे थोड़ा सा देसी गाय का घी, और घी गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे गोटा जीरा। हम बिरयानी को दम देके इसमें पकाएंगे, इसके लिए बड़ा सा पतीला लिया है देसी घी के साथ। अब हम इसमें हमारे जो पनीर है इसको 50% डाल देंगे इसमें, और 50% को रखेंगे। और पनीर को डालने के बाद अब हम इसका ऊपर थोड़ा सा चावल लेंगे, और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह, और इसको चारों तरफ ऐसे फैलाने के बाद अभी हम इसका ऊपर जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था उसमें से थोड़ा प्याज को इसमें डाल के उसको भी ऐसे फैला देंगे, और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। और अभी हम इसका ऊपर फिर एक बार जो हमारा बचा हुआ पनीर था इसको भी हम इसका ऊपर डाल देंगे। ये देखिए हमने डाल दिया, और इसको भी अच्छी तरह से फैला लेंगे। और इसको भी फैलाने के बाद अभी हम इसका ऊपर हमारा जो बाकी बचा चावल है इसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें सारा चावल को डाल दिया। अब हम इसको भी अच्छी तरह से फैला लेंगे, और ठीक उसी तरह हम फिर एक बार इसका ऊपर डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता, थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्ची, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा। इन सबको डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या ना डालें, आपकी मर्जी। यहाँ पे हमने रेड और येलो दो फूड कलर यूज किया है, ये हमने थोड़ा थोड़ा करके दोनों डाल दिया। अभी हम लेंगे एक ढक्कन और इसको अच्छी तरह से ढक देंगे, और ये जो साइड साइड है यहाँ से बिल्कुल हवा नहीं निकलना चाहिए। इसके लिए हम इसका ऊपर एक लोहे का बना हमदस्ता को रख दिए हैं। चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए हमारा पनीर बिरयानी बन के पूरी तरह से रेडी हो गया है। अभी हम एक चम्मच के मदद से साइड से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का हाथों से इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार मेरे बताए हुए तरीके से इसको घर में बना के ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों आज का ये मेरा पनीर बिरयानी का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग हमेशा कमेंट करना भूल जाते हैं, और जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि मेरा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।